जागृत आदिवासी दलित संगठन ने बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक पर हिंसक हमलों और वन कटाई को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए उस पर निलंबन कार्यवाही किए जाने की मांग की। बुरहानपुर जिले में पिछले 3 दिनों से जागृत आदिवासी दलित संगठन कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर रखा था, किंतु आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर देर रात नेपानगर थाने पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर 3 साथियों को छुड़ा ले गए, जिसके बाद जागृत आदिवासी दलित संगठन ने हिंसक हमलों और वन कटाई को बढ़ावा देने का एसपी पर आरोप लगाया। साथ ही आदिवासी संगठन ने शासन से एसपी को निलंबित किए जाने की मांग रखी है। आदिवासी संगठन ने आगामी सप्ताह से फिर आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। संरक्षण देने का स्पष्ट दिख रहा है तो पुलिस अधीक्षक को सस्पेंड करना चाहिए, उनको तत्काल निलंबित करना चाहिए और उनके ऊपर 307 की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। आपका धरना आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जी, अभी हमारा धरना आंदोलन 3 दिन से यहाँ चल रहा है, लेकिन अभी ये लंबी अवकाश भी है, तो हम इस चरण को, हमारे आंदोलन के इस चरण को आज हम स्थगित करेंगे। आंदोलन अगले हफ्ते फिर से शुरू होगा। सांसद से हमने पूछा है कि ये 3 दिन से आदिवासी यहाँ बैठे आपको पूछ ले रहे, तो उन्होंने आपके मतलब इनोसेंट पे सवाल निशान खड़ा कर दिए और मीडिया को कहा बोला तय तक जाइए कि ये लोग हैक। आप जाइए तय तक। हम बड़वानी में हमारा 21 साल से संगठन चल रहा है, हमारे पूरी रिकॉर्ड खुला है, उनको तय तक जाना चाहिए। वो आपको क्यों बोल रहे हैं? आप भी जाइए, वो भी तय तक जाए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।